नमस्कार, चलिए आज बनाएं और खाएं भिंडी दो प्याजा निधि गर्ग कलाकृति के साथ। आई एम श्योर ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप इसे जरूर बनाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए भिंडी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, अमचूर और तेल। सारे मसाले इकट्ठे कर लीजिए। भिंडी को धोकर उसकी टॉप और बॉटम को काट के उसे साफ कर लीजिए। और अब इसमें हम चीरा लगाएंगे, यानी इसको स्लिट करेंगे। बस ध्यान रहे कि ये दो भागों में ना कटे, सिर्फ ये स्लिट हो। ये मैंने सारी भिंडियों को इसी तरह धोकर स्लिट कर लिया है। प्याज को मैंने मोटा मोटा काट के उसके स्लाइसेस अलग कर लिए हैं। आप प्याज की मात्रा इसमें बढ़ा सकते हैं। अब एक बोल लीजिए, उसमें आपके सारे मसाले, मिर्च, हल्दी, नमक, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर, इन सब मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए। इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। आप अगर सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल इसमें डाल सकते हैं। ये हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि जब हम ये मसाले को हम भिंडी में भरें तो ये मसाला भिंडी से बाहर नहीं आए। अगर ये ड्राई होगा तो भिंडी से बाहर आ जाएगा। अगर आप तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ बूंदे पानी की भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को आप जो आपने भिंडी स्लिट करके रखी है उसके अंदर भर दीजिए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है पर ये टेस्टी बहुत लगता है। सारी भिंडियों को इसी तरह मसाले से भरकर रख लीजिए। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कीजिए। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें प्याज के ये बड़े बड़े पीसेस काट के डाल दीजिए। जब ये प्याज थोड़ी सी भुन जाए तब आप इसमें ये भरी हुई भिंडी जो थी वो भी छोड़ दीजिए। और अच्छे से तेल को इसके ऊपर मिक्स कर दीजिए। कोई ना अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको ढक्कन से कवर करके करीब 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे स्लो हीट के ऊपर। इसे हमें बहुत देर तक ढक के नहीं पकाना है, नहीं तो भिंडी स्टिकी हो जाएगी, यानी चिपचिपी हो जाएगी। अब ढक्कन को हटाइए और इसे खुला ही पकने दीजिए। बीच बीच में इसे चलाते रहें और बिल्कुल मध्यम आंच पर पकाएं। जब ये कुरकुरी सी हो जाए तब इसमें अगर आपका मसाला जो आपने बनाया था वो बचा है तो वो भी मिक्स कर दीजिए। वो गंदा कपड़ा आ रहा है उसे हटा। अगर हम इसमें ये मसाला पहले डालते हैं तो ये मसाला जल के काला हो जाएगा। मसाला भी अच्छे से लिपट गया है, भिंडी आपकी क्रिस्प हो गई है, प्याज भी क्रिस्प हो गए हैं। आपकी भिंडी दो प्याजा तैयार है। इसे लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में एंजॉय कीजिए और निधि गर्ग कलाकृति से फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।